हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। एनआईडी मध्य प्रदेश में विभिन्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में विभिन्न पद हैं जिसके बारे में वीडियो में डिटेल बताएंगे। सीरियल नंबर एक में डिप्टी रजिस्ट्रार का पद है, पे लेवल 11 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुल एक पद हैं। सैलरी से संबंधित डिटेल जानकारी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। सीरियल नंबर सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद है, जो डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, कुल एक पद हैं। L10 का पद है, 56,100 से लेकर 177,500 सैलरी है। सीरियल नंबर तीन में सीनियर अकाउंट ऑफिसर का पद है, जो डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और सैलरी सेम है। सीरियल नंबर चार में हेड सिक्योरिटी सर्विसेज का पद है, पे लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 142,400 सैलरी है। और जो पद है डेपुटेशन फिलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और कुल एक पद है। सीरियल नंबर पाँच में सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, पे लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 177,500 सैलरी है। और पद डिटेल में डेपुटेशन फिलिंग बीच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कुल एक पद है। सीरियल नंबर सिक्स में सीनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट का पद है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कुल एक पद है। सीरियल नंबर सेवन में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद है, कुल दो पद हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जिसके बारे में डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीरियल नंबर एट में सुपरिटेंडेंट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पद हैं, कुल दो पद हैं, एक कैटेगरी में पद हैं, सैलरी 45,300 कंसोलिडेट है। सीरियल नंबर नौ में सीनियर असिस्टेंट एडमिन या स्टेडियो का पद है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 37,300 कंसोलिडेट सैलरी है और कुल दो पद हैं, यह पद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। सीरियल नंबर 10 में असिस्टेंट अकाउंट या एडमिन लाइब्रेरी का पद है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 32,600 कंसोलिडेट सैलरी है, कुल पाँच पद हैं। सीरियल नंबर 8 में लेडी वार्डन का पद है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 37,300 सैलरी है और कुल एक पद है। पदवार कैटेगरी वार डिटेल और अदर डिटेल जानकारी के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है और इसके बारे में डिटेल एजुकेशन और अदर डिटेल के बारे में एक बार पढ़ना है। उसके बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30/9/2021 शाम को 5 बजे तक है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, इसमें और भी एसेंशियल जानकारी दिया है। एज लिमिट से संबंधित जानकारी इसमें दिया हुआ है, जो एससी एसटी और अदर कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल है, अदर भी डिटेल इसमें दिया है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट मैं बता दिया हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, 30/9/2021 है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, उसमें जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए ₹500 एप्लीकेशन शुल्क हैं। और सीरियल नंबर 1, 2, 3 के लिए ₹200 एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसी तरह से 4 और 11 SC ST एक्स सर्विसमैन वोमन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। डिटेल जानकारी के लिए आप डिटेल जानकारी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है वो 40 पेज में है। 40 पेज में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे संबंधित ये 40 पेज का है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह सूचना सबके पास पहुंच जाए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में डिटेल दिया है।